माय नेम इज गुप्ता सत्यम संजय। हाय आई एम जय प्रजापति। हेलो माय नेम इज ललित यादव और हम सभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं विद्यावारती विद्यालय में। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम लोग को गर्मियों की छुट्टी मिलती है, उन गर्मियों की छुट्टियों में गया था गाँव में वेकेशन मनाने। मेरा गाँव में वेकेशन काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जैसे मैं गाँव से यहाँ अपने घर पर आया, यहाँ पर मेरे पहली नज़र तो मेरे तुलसी के पौधे पड़े जो कि एकदम सूख चुका था और मिट्टी में बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं था। हमने फिर यहाँ पर एक ऐसा कुछ सोचा कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाए जिससे कि पूरे सिस्टम अपने आप ही वर्क होने लगे, जैसे कि मॉइस्चर जैसे नहीं मिले मिट्टी में तो ऑटोमेटिक पानी ऑन होके वहाँ पर पानी चल जाए। तो सारे सिस्टम को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या लिया आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिया है हमने आर्डिनो रिले मोटर और मॉइस्चर सेंसर जो कि मॉइस्चर को डिटेक्ट करेगा और फिर आर्डिनो को बताएगा, आर्डिनो रिले को बताएगा, रिले मोटर को पावर देगा और ऑटोमेटिकली ऑन होगा पानी, पानी यहाँ पर टाके में फील हो जाएगा और पूरे दिन भर में यहाँ पर ये मॉइस्चर धीरे धीरे पानी में गिरते रहेगा, उससे मॉइस्चर बनते रहेगा और पेड़ सूखेगा नहीं। ये सारे सिस्टम का यूजेस जो है आपको हमें जय बताएंगे और आपको मैं ये दिखा देना चाहूँगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर मॉइस्चर सेंसर निकाल दूंगा वैसे ही यहाँ पर मोटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर तो जैसे ही यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि मॉइस्चर नहीं, जैसे मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर मॉइस्चर नहीं होता है एयर में, तो एयर में मॉइस्चर नहीं है इसलिए पानी ऑन हो गया। जैसे मैं यहाँ पर मिट्टी में लेके जाऊँगा तो नमी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा, इससे पानी भी बचेगा और पानी वेस्ट नहीं होगा। अब इस सिस्टम का नाम हम लोग ने रखा है स्मार्ट वाटर इरीगेशन, जो कि आपको जय बताएंगे इसके यूजेस। हमारा प्रोजेक्ट स्मार्ट ड्रिप इरीगेशन सिस्टम हमारे कंट्री के फार्मर्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। उसका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल ये है कि वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है तो ये ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर सप्लाई करता है, इससे मॉइस्चर लेवल लगातार बने रहता है और प्लांट्स को भी ग्रो होने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। हमारे फार्मर्स को इसका सबसे अच्छा प्रॉफिट ये हुआ कि केसर के फार्मिंग में, क्योंकि केसर की फार्मिंग ज़्यादातर जहाँ पर मॉइस्चर लेवल बहुत होता है जैसे कि कश्मीर साइड में, तो वहाँ पर होते हैं। इससे हमारे प्रोजेक्ट से फार्मर्स को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। हमारे प्रोजेक्ट को ऑफिस में, स्कूल्स में और भी कॉमन यूज़ में लिया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू।